ओहो हो भैया, टीम इंडिया खेली नहीं है बल्कि टीम इंडिया ने तो इनको पीला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस वक्त भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है, जिसमें के जो पहला मुकाबला वो इंग्लैंड ने जीता था, लेकिन वहीं पर दूसरे और तीसरे मुकाबले में भारत ने बहुत ही ज़्यादा शानदार वापसी करते हुए इंग्लैंड पर 2-1 से सीरीज पर बढ़त बना रही है। और जो तीसरा मुकाबला खेला गया था राजकोट पर, वहां पर भारतीय टीम ने राज कर दिखाया और बता दिया कि ये भारतीय टीम ऐसे ही नहीं दुनिया में की नंबर 1 टीम है। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका इंग्लैंड वालों का बैस बोर्ड नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम उनको बैस बोर्ड दिखाएगी, असली बैस बोर्ड कहते किसे। और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए उनको बैस बोर्ड का मतलब दिखा दिया है। और भारतीय टीम ने इंग्लैंड को बहुत ही बुरी तरह से हरा कर सीरीज पर 2-1 से बढ़त पा रही है। और आप तो बता दें कि राजकोट में तीसरा टेस्ट मैच खेला गया था, जहां पर पहली इनिंग में भारतीय टीम ने 445 रन जड़ दिए थे। और वहीं अगर हम बात करें यशस्वी जायसवाल की, तो उन्होंने एक और कीर्तिमान इस मैच में रच दिया है। उन्होंने इस मैच में की दूसरी इनिंग में एक और डबल सेंचुरी लगा दी है और भारत को जो है मैच में जीत दिलाने के 100% चांस दिलवा दिए थे। 445 रन लगाने के बाद भारतीय टीम को बॉलिंग में भी कॉन्फिडेंस मिला और इंग्लैंड पर 100 से भी ज़्यादा रनों की लीड पा रही थी दोस्तों। और जब ही अगर हम दूसरे इनिंग की बात करें, तो जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई तो उन्होंने इंग्लैंड को 500 से भी ज़्यादा रनों का लक्ष्य दिया और केवल 122 रनों पर ही इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया। और ये अब तक की भारतीय टीम की इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है दोस्तों। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की अगर हम बात करें, तो ये भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत रही है, जिसमें सभी का, बल्कि चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, सभी का योगदान रहा है। खासकर हम यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा की अगर हम बात करें, तो इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई है। और रविंद्र जडेजा ने तो दोस्तों कमारी करके दिखाया, उन्होंने पहले अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में बचाया, सेंचुरी लगाकर। उसके बाद इन्होंने अपनी बॉलिंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाकर रख दी थी। और ये और भारत को टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया इन दोनों बल्लेबाजों ने। अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें, तो उन्होंने दूसरी इनिंग में सबसे ज़्यादा 5 विकेट झटक कर मैन ऑफ द मैच का भी खिताब अपने हासिल किया। और पहली इनिंग में रविंद्र जडेजा ने 122 रन बनाए थे 225 गेंदों पर सामना करके। वहीं अगर हम भारतीय जो दूसरी इनिंग है उनकी बात करें, तो उन्होंने दूसरी इनिंग में 41 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला। और देखिए दोस्तों, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकती है कि दूसरी पारी जो है भारत ने 430 पे डिक्लेयर कर दी 4 विकेट के नुकसान पर। इंग्लैंड को 122 पर ऑल आउट करके भारत ने एक बहुत ही बड़ी जीत, 434 रनों की जीत जो है वो इंग्लैंड पर हासिल कर दी थी। और भारतीय टीम की इस जीत में सबसे ज़्यादा योगदान अगर किन्हीं का रहा, तो यशस्वी जायसवाल और रविंद्र जडेजा का रहा है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की ये जीत आपको कैसी लगी? उम्मीद आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दोबारा ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम दोस्तों।